वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं व्लॉग में सबके साथ आए का मम्मा, आप अकेले व्लॉग बनाती हो तो बिल्कुल भी व्लॉग आपका नहीं चलता, तो आज हम आपकी हेल्प करते हैं। तो आज मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। बात ये है कि मेरा जो फोन है वो खराब मेरा जो फोन है ना वो खराब हो चुका है। काफी दिनों से मोबाइल जो के ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा था। ये मोबाइल जो था 2 साल पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी का गिफ्ट किया था मुझे, और 2 साल से चल रहा था। यानी मेरा मोबाइल इस तरह यूज हो रहा था ना जानवरों की तरह, बच्चे भी यूज करते थे उसे। मोबाइल को बनाने के लिए दिया है लेकिन उसकी बनने की उम्मीद नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सब लोगों से मशवरा करना चाह रही थी कि मुझे मोबाइल कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन तो जो था हमारा हम यूज कर चुके। आईफोन की आईडी एक बार ब्लॉक हो जाती है ना फिर दोबारा उसकी आईडी ना ओपन नहीं हो पाती, हमसे यही हुआ। तो इस वजह से हमारा मोबाइल पूरा और वो वेस्ट चला गया, और वैसे भी ना लेडीज के काम कर रही है। उसके बाद मैंने ना इन्फिनिक्स यूज करी थी, तो इन्फिनिक्स अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगता था, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे हाथ का मोबाइल था। और मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि मेरा मोबाइल जो कि ना बन के आ जाए, बन जाए, मैं उसे दोबारा यूज करूँ। लेकिन अब ना बस वो नहीं बनेगा क्योंकि उसे 2 साल हो चुके हैं। अगर वो बन के आ भी गया तो दोबारा वो नहीं चलेगा। तो और उसके मोबाइल जो कि मेरे हस्बैंड का वो मोबाइल, तो उसका रिजल्ट मुझे इतना बेकार लगता है कि मैं उस मोबाइल से ना अपनी वीडियो भी बनाती हूँ। तो आज मुझे मजबूरन उसी मोबाइल से अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बस आप लोग बताएं मुझे कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, तो जो अच्छा भी हो और ना मेरे बजट में भी आ जाए, क्योंकि इस बार इतना ज्यादा खर्चा हुआ है मेरा कि सिर्फ इन 2 महीनों में ना मैं सिर्फ ना अपने सलून में ना 1,90,000 रुपये का खर्चा कर चुकी हूँ। ब्यूटिशियन के कोर्स से पीछे पूरे 1,90,000, यानी कि 2 लाख के करीब आ चुकी हूँ। तो अब जरा सा मेरा बजट हो रहा है आउट, तो चाह रही हूँ कि बस कोई ऐसा मोबाइल दे, अच्छी सी एडवाइस दे कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए जो मेरे बजट में भी आ जाए और जो अच्छा भी हो। और अब तो मोबाइल ऐसी जरूरत की चीज़ हो चुकी है ना, तो कल से मेरा मोबाइल नहीं है तो मुझे ना बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है ना बंदा नहीं, इतनी ज्यादा बोर हो रही हूँ। हालांकि मोबाइल को खराब हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन मजा भी नहीं आया मोबाइल के बिना, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। मोबाइल होता है तो सुबह सबसे पहले उठ के मोबाइल में देखती थी, शाम को देखूं मोबाइल में के किसी के व्हाट्सअप तो नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में जो कि ना व्हाट्सअप यूज करती थी, व्हाट्सअप सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ, टिकटॉक वगैरह बिल्कुल नहीं। टिकटॉक तो बस यूं उठाया, वीडियो बनाए उसके बाद छोड़ देती हूँ, उसके बाद पलट के देखती भी नहीं। यूट्यूब भी नहीं देखते, हाँ यूट्यूब के कमेंट्स हम लोग देख लेते हैं, बाकी यूट्यूब में तो ऐसा है कि हम अपनी वीडियो तो रिटर्न देख ही नहीं सकते, तो अपनी वीडियो नहीं देख सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप यूज करती थी। आज का दिन बहुत बहुत ही मेरा बुरा गुजरा, तो मैंने सोचा कि अब मोबाइल जब ले ही रही हूँ तो जब इतने पैसे खर्च कर रही हूँ तो मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मोबाइल लूँ। मेरे हस्बैंड ने तो कहा जल्द से बताओ कौन सा मोबाइल चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल ले आऊँ, क्योंकि मोबाइल के बिना मेरा मूड जो है ना ऑफ हो गया था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था मुझे। तो मुझे बच्चों को भी मज़ा नहीं आया था, क्योंकि ना बच्चे शाम को पढ़ने लिखने के बाद ना बस थोड़ी सी देर मलिया और शीजा मेरा मोबाइल यूज करती थी, तो बस बहुत ही ज़्यादा बोर होती थी। तो अब जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स करें कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो कोई अच्छा सा बताओ ना जिसका रिजल्ट अच्छा हो और बजट में भी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मोबाइल मुझे बताइएगा, ये प्राइस के साथ बताइएगा कि ये मोबाइल इस मोबाइल की इतनी प्राइस है, मुझे आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो अब लेते हैं इजाजत, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्या करूँ। तो जब तक दीजिएगा इजाजत, ये बच्चे मेरे ना मेरा वैलेंटी बॉक्स है, बच्चे छोड़ते ही नहीं मेरा वैलेंटी बॉक्स। तो जब तक लेंगे इजाजत, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने अल्लाह हाफिज़ को The end.